वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में पूछा है, चार इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट एनोड। सो देखो, पहला वाला लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लूंगा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, लेट्स से दिस इज माय प्लैटिनम और इधर भी मेरा प्लैटिनम है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मेरा एनोड हो गया और ये मेरा कैथोड हो गया। अब देखो कौन कौन से स्पीशीज इसके अंदर है। तो इसके अंदर हम लोग को पता है H प्लस होगा और SO4 टू माइनस होगा। HSO4 माइनस भी होगा बट SO4 टू माइनस ज्यादा होगा क्योंकि डाइल्यूट है, ठीक है। और कौन होगा, और अपना वाटर होगा, और बोला जाए तो H प्लस है और OH माइनस भी रहेगा, यही चार स्पीशीज होंगे। नाउ हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक स्पीशीज हम इसको मान सकते हैं और एक स्पीशीज वाटर को मान ले या OH माइनस को मान ले, दोनों केस में सेम होगा क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन लूज करेगा और यहां भी ऑक्सीजन लूज करेगा। तो ये दोनों में कौन लूज करेगा, सो देखो हम लोग को पता होता है दिस ऑक्सीजन हैज मोर पोटेंशियल टू लूज इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू SO4 टू माइनस। वाटर का ऑक्सीजन विल लूज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू SO4 टू माइनस। तो आपका 2H2O ले लेंगे तो बनेगा O2 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू SO4 टू माइनस ना। तो यहां पर हम लोग को O2 मिलेगा विद प्लैटिनम। उसी तरीके से यहां भी क्या है, प्लैटिनम है और स्पीशीज कौन है, स्पीशीज है Ag+ NO3- और H+ एंड वाटर। इस केस में भी ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी आपको O2 मिलेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो अगर कॉपर यूज करते हैं, लेट से मेरा ये बीकर है और यहां पे कॉपर है, तो यहां पर कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। देखो ये प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड बट कॉपर इज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। वाटर और कॉपर दोनों लूज कर सकता है, कॉपर भी लूज करके Cu2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पोटेंशियल फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर कॉपर कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ठीक है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो वाटर का रिएक्शन ऑक्सीडेशन में नहीं होगा, कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज। तो एनोड में ये जो रॉड है ये ऑक्सीडाइज होगा और धीरे धीरे कॉपर जो है रॉड डिजॉल्व करके Cu2+ बना देगा। तो इस केस में आपको O2 नहीं मिलेगा, Cu2+ मिलेगा। नेक्स्ट, अगेन प्लैटिनम एनोड। तो एनोड में अगेन वाटर विल लूज लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस O2। तो इस केस में भी आपको O2 मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है किसमें नहीं मिलेगा तो ये टिक करेंगे और किसमें मिलेगा तो ये तीनों टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, वाटर लूजेस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस O2 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड चला आएगा, कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, नीचे वाले आ जाएंगे ना, तो उस केस में हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।